कहीं भी जाइए लेकिन मन को शांति नहीं है। किस प्रकार? जिस प्रकार समुद्र में जब लहर उठती है तो वो जो लहर उठती है तो उसमें जो जल की बूंदें होती हैं, उस लहर में जो जल का भाग होता है वो तब तक शांत नहीं होता जब तक वो समुद्र से उठ करके और समुद्र में ही मिल नहीं जाता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। उसी प्रकार ये मानव का जीवन महाराज, इसमें शांति नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, आपके पास अपार धन है लेकिन धन वाला और अशांत है। कम से कम जिसके पास धन नहीं है वो तो शांति से सो भी ले, जिसके पास धन है महाराज वो धन को ही उसकी रखवाली करते बैठा रहता है। तो धन से आप जीवन में भौतिक सुखों को पा सकते हो लेकिन आध्यात्मिक सुख के लिए, आत्म शांति के लिए करना पड़ता है ये सत्संग। कहते हैं ना, बड़े सरल शब्दों में बताएं तो जिस प्रकार छाता होता है ना, छाता आपको बरसात से तो बचा सकता है लेकिन बरसात को रोक नहीं सकता। रोक सकता है छाता, उससे आपको सुरक्षित तो कर सकता है लेकिन वो बरसात को बंद नहीं करा सकता। उसी प्रकार कहते हैं कि सत्संग हमारे दुखों को तो नहीं काट सकता लेकिन महाराज उसे सहन करने की हमें शक्ति देता है। इसलिए आत्मा को कहीं भी शांति नहीं है, सिर्फ एक हरि के ही चरणों में शांति है और भगवान के ही पास शांति है। आपको पता है ना, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना करने के बाद जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को सब कुछ प्रदान किया तो मनुष्य को भगवान ने एक वस्तु नहीं दी। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान ने उस वस्तु को कहाँ छिपा लिया? अपने चरणों में। तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि महाराज आपने मनुष्य को सब कुछ दे दिया लेकिन ऐसी कौन सी कीमती वस्तु है जिसको आपने अपने चरणों में छुपा ली? तो भगवान ने कहा कि इस मनुष्य को मैंने बनाया, ये हमेशा दुखी रहेगा, किसी न किसी बात का इसे कष्ट ही रहेगा, इसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। ये संसार में चाहे कहां कहीं भी घूम ले पर इसे शांति नहीं होगी। तो शांति इसे कहां मिलेगी? मेरे ही चरणों में मिलेगी। तो मैंने कोई और वस्तु नहीं, उसी शांति को अपने चरणों में छुपाया। इसलिए आप संसार में कहीं भी घूम लो लेकिन शांति और आनंद तो इसी कथा में है, इसी सत्संग में है महाराज।